वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का नॉट गेम फ्लूइड की एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से अपने कार फॉर सेल वर्ल्ड के अंदर, जहां पर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं भाई अपने सारी की सारी कार्स का कलेक्शन। तो चलो चलते हैं फटाफट से। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबा दो, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। यार देख लो फटाफट 3 मिलियन की तरफ को जा रहे हैं। बाकी 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज अभी भी भाई चल रहा है भाई का। सो लेट्स गो, जितना ज्यादा प्यार दिखा सकते हो दिखा दो। बाकी चलो चलते हैं फटाफट से अपने वर्ल्ड के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने कार फॉर सेल वर्ल्ड के अंदर, बट हम लोग अपने गैराज जाना है अपनी न्यूली फाउंड मास्डा RX-7 में। और सच्ची बताना मेरे को पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा यार। मतलब इसमें कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को, मे बी मोर मेटेलिक और समथिंग। भाई वो सामने वो देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है मस्टैंग। बाय द वे इसमें मैंने ड्रिफ्ट फिट लगा रखा है, इसकी वजह से इतना कूल। ओए रुक जाओ, एक चीज पहले चेक करूंगा गाइस मैं। हाँ आज आवाज़ चेक कर लूंगा पहले ही मैं। पिछली बार वाली में आवाज़ नहीं डाल दी, आई एम रियली सॉरी यार। मुझे पता है गलती होगी छोटी सी, बट ठीक है कोई नहीं। तुम लोगों ने तब भी इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, लव यू यार। सच्ची में पता है लम्मू मतलब लम्मू हो गया जी। चलो फटाफट से चलते हैं, हम लोग सही रास्ते से जा रहे हैं ना, क्योंकि इससे हमें एक और चीज़ पता चल जाएगी। जैसे हम लोगों ने ये जीती थी लास्ट टाइम, कैसे जीती थी गाइस? बिल्कुल सही, हम लोगों ने ये ओए आंटी ठोक दी थी मैंने भी। चलो चलो निकलते हैं, बेड़े हट जाए। भाई ड्रिफ्टिंग किट के भी अपने मजे, क्योंकि इन लोगों ने ड्रिफ्टिंग अब थोड़ी सी अभी देखते हैं गाइस। पिछली बार भी मैंने ये बहुत ज़्यादा ठोकी थी, तो इसकी वजह से हम लोगों को भी। भाई यार ये चीटिंग नहीं है, मैंने एग्जैक्टली उसके बीच से निकाली कूल बनने के लिए, मुझे क्या पता था ये। छोड़ो यार भाई मैं क्या बोलूँ अभी यार। भाई मैंने उसके बीच से इसलिए निकाली ताकि थोड़ा कूल बन सकूँ, मैं मेरे को क्या पता था इन लोगों ने वो अंधा करने वाला बना रखा है। फालतू की बात नहीं है, अब देखो बैंक बिल बना देंगे ये लोग कितने का पता नहीं। हाँ जाते जा आगे को चले जा पूरी। $10,000 का बिल हो भाई साहब, 8 लाख रुपए का बिल बना दिया उसने। भाई क्या हरकत है पता नहीं। वो मेरी सुप्रा भी मैंने निकाली थी, वो भी मेरे ख्याल से उसको जरूरत पड़ रही है। हाँ ये देखो इस साइड से पूरी डेंटेड है, नहीं है इसको जरूरत नहीं है। नहीं 5% डैमेज तो ये भी है, तो अपनी सुप्रा को भी मैं लगा ही देता हूँ। बाय द वे लास्ट टाइम हम लोग चैलेंज कर रहे थे जिसमें हम लोगों को लेके आनी थी ऑडी R8, तो आज भी हम लोग वही वाले चैलेंज को करने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज जरूर से करेंगे। ठीक है इसको थोड़ा छोड़ते हैं हम लोग अपनी, इसको RX-7 को जरा सीधे भिजवा देते हैं टो ट्रक से। और इस वाली भाई इतनी देर में तो मैं यार छी भाई रुक के इसको ही लगा देता फिर। भाई ये सुप्रा कितनी प्यारी लगती है भाई, मेरे ख्याल से वो मेटैलिक वाले की वजह से मेरे को अपनी उसमें ना RX-7 में मेटैलिक करना चाहिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं भाई कैसे भी 5 ऑडी R8 लानी, क्योंकि 7 बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा इसकी वजह से। ओए ओए 5 बज गए, ओए ऑक्शन। नो 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 प्लीज़ भाई कोई अच्छी गाड़ी ना निकल गई हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर ऑडी R8 आ गई ना भाई क्या किस्मत चमकेगी देखो। ओके अभी तक का कोई अच्छी गाड़ी नहीं आई है, इसका मतलब इस ऑक्शन में एक अच्छी गाड़ी बची हुई है। ठीक है फटाफट से बाय कर लेते हैं, लेट्स होप प्लीज़। फिंगर्स क्रॉस्ड है गाइस, ठीक है फिंगर्स क्रॉस्ड। इनके पैसे बढ़ा दूँ मैं ताकि ये लोग जल्दी जल्दी खरीदें बस। ठीक है इनके पैसे बढ़ा दिए मैंने, ले लो। इसलिए बढ़ाए कि मेरे को ना बेचो भाई तुम यार, इसलिए थोड़ा मेरे को लेनी थोड़ा थी वो। चलो अब ये बक्की रिगर कोई ना कोई तो ले लेगा, देखो बैलिया ये सब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दो ना तो वो लोग जल्दी खरीद लेता। मुझे क्या पता था यार इतनी कूड़ा गाड़ी मैं $16,000 में खरीद लूँगा। अब मेरे उधर पूरा स्पोर्ट्स कार और सुपर कार का शोरूम है और ये क्या चलेगी वहाँ। लो भाई इतनी गंदी गाड़ियाँ आ रखी हैं, छी भाई यार क्या आवाज़ें हैं भाई। ठीक है भाई ठीक है, थोड़ा ड्रिफ्ट फिट की दिक्कत भी है बट क्या करें फिर यार, अब मज़ा भी तो चाहिए भाई को, मज़ा भी चाहिए भाई को, सजा भी नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। स्मूथनेस फुल कर देंगे और थोड़ी सी मेटालिक बना देंगे गाड़ी को, आई थिंक इसकी वजह से हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा कूल लगने वाली है। रेडी रहो भाई, गेम क्रैश हो गया था क्या? अच्छा यू बॉट अ कार, ये देखो अब अपनी कार पहले से कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है। अगर तुम ध्यान दोगे तो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है सही में। ओ भाई अगर इसी को मैं रिवर्स खींच देता तब कूल लगता ना, बट कोई बात नहीं। हम लोगों को ये सड़ेली कार भी बेचनी पड़ेगी और हम लोगों को कैसे भी भाई 5 ऑडी R8 करनी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो इन लोगों ने गेम के अपडेट में तुम्हें पता ही है क्या कर दिया है। ठीक है पहली चीज़ जो इन लोगों ने कर दिया है वो ये है कि तुम 12 बजे के बाद ही सो सकते हो। ठीक है और अभी तो 8 बजे गए तो अब सब कुछ बंद ही हो गया। रुको जरा मैं फिर भी ना एक काम करता, हाँ जाती रहना वो गाड़ी जाती रहना भाई यार, घर जाना है मैंने उस गाड़ी में बस। ठीक है हम लोग ये कूड़ा गाड़ी को यहीं पे लगा देते हैं,
ठीक है, ये नहीं गई आगे को, जिसको मैं चाहता हूँ आगे जाए वो नहीं गई आगे को, देख रहे हो तुम लोग। इसको हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से लॉर्ड एस्कॉट को सेल पे लगाते हैं 36,000 रुपये में भाई, छी रे बिकी ना जाए ये 36,000 में। पहली बात तो ग्रेट कार, क्योंकि ये हम लोगों ने लिए कितने में, 16 में, 20,000 रुपये का प्रॉफिट करके चले ही ना जाए, बट ठीक है कोई नहीं, फिर भी हम लोग इसको 36,000 में लगा देते हैं और जल्दी से जाते हैं सबसे पहले। अरे भैया आप भी घर जाओ, 8 बज गए। अरे भाई यार ये भैया बहुत अच्छे हैं पता तुम्हें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ जाती रहे ना, ठीक है, जा नहीं पा रही होगी ना आगे को। अब हेडलाइट कैसे खोलते थे, हाँ ये रहा, चलो भाई भाई रात को तो जरूरी है ना यार हेडलाइट, खास करके जब तुम ऐसी हरकतें करने वाले हो रात भर, भाई सारे पूरे उसको नेबरहुड को जगा देता हूँ मैं ये चीजें करके बता तुम्हें। बड़ी जल्दी टूट जाती है इसकी स्ट्रीक, जब ड्रिफ्ट खत्म ही नहीं हुई है तो स्ट्रीक कैसे टूट रही है भाई, पूरी होनी चाहिए ना, जब तक ड्रिफ्ट पूरी गाड़ी अजीब गरीब नहीं हो गई तब तक रुकनी चाहिए ड्रिफ्ट। चलो फटाफट से घर चलते हैं, एक काम करते हैं आज ना यार रिवर्स में ही ले जाते हैं गाड़ी को, अभी रिवर्स नॉस कैसे काम करता है मेरे को नहीं पता, बट ठीक है रिवर्स में ले जाते हैं इसको फटाफट और जाके बस आज कंटेनर में ही सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। 2 लैम्बोर्गिनी, 1 पोर्शे, ऑडी भी खड़ी है एक, बट ऑडी R8 नहीं है, कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं ये गाड़ी लूँगा क्योंकि अगर हम लोगों को 5 ऑडी R8 जमा करनी है तो हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, क्योंकि कायदे से गेम की सबसे महंगी गाड़ी है ला फरारी, राइट, ला फरारी के बाद आती है डॉज वाइपर, फिर GTR, फिर बहुत सारी गाड़ी आती है, बट उनके बाद GTR के बाद मेरे हिसाब से सबसे महंगी गाड़ी गेम में ऑडी R8 है। ऑडी R8 एक्चुअली कुछ केसेस में GTR से ही महंगी हो जाती है। 384 ये मांग रहा है, मैं इसको 3 लाख का ऑफर देके देखता हूँ, बहुत सही गाड़ी भाई, अगर ये 3 लाख में मान गया तो मेरे लिए बहुत तगड़ा हो जाएगा, ओके नहीं इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सीधे 20,000 रुपये से हम लोग इसको बंप अप करते हैं, 3,20,000 बोलते हैं, देयर वी गो गाइस, जी जी ठीक है, तो हम लोग इसको ले देते हैं और उसके बाद इधर पर आते हैं। चलो 6 लाख की भी बिक गई ना अगर तो अपने मजे मजे, 480 देख रहा हूँ ये सीधे 480 बोल रहा है, मैं इसको 4 लाख का करता हूँ क्योंकि मेरे को स्कैम करने की ट्राई कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, तो चार देखा 4 लाख में मान गया ना, हमने 320 में खरीदी पिछली वाली गाड़ी, ये वाली 4 लाख में, आ जाओ लेट्स सी हम लोगों को पोर्शा कितने में मिलती है, 120 के आसपास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है सही बताऊँ तो, इसमें प्लीज़ नहीं ओके 120, चलो ठीक है ज़्यादा हैसल नहीं करते हैं, 130 करते हैं और ख़त्म करते हैं, ले ले यार छोड़ हटा पैसे रख ठीक है, मैं चाहता था 120, आई हैव कंसीडर्ड योर ऑफर बट वोंट, अबे यार अब ये लास्ट ऑफर होगा मेरा, 140 इससे ज़्यादा मैं जा नहीं सकता हूँ, तो 140 में इसको दे देता हूँ, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कार इंडीड। चलो इसके साथ हम लोगों को कुछ फ्री का भी मिला है बट वो फ्री का इतना ज़्यादा महंगा नहीं है ठीक है, $150 का सामान देते हैं लोग बहुत चंटे हैं। चलो फटाफट से चलते हैं अब वापस, और इस बार हम लोग इधर से चलेंगे ठीक है, क्यों अभी मैं बताता हूँ क्यों, हम लोगों को यहाँ पर से जाते हुए ना वो मिल जाएगा क्या कहते हैं उसे, कोई रेस वेस मिल जाएगी। अबे यार ये बीच में नहीं आता ना मेरी, इतनी बढ़िया होती ना ये वाली ड्रिफ्ट। अरे 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 भाई ऐसे क्या लग रहा है पत्थर टूट रहे हैं, ऐसी आवाज आ रही है, गाड़ी नहीं ये देखो ना, जब मैं उसके जस्ट बाद लेफ्ट वाली ड्रिफ्ट मारने वाला हूँ तभी तो खींचेगी लंबी ड्रिफ्ट, तो तुम लोग पहले ड्रिफ्ट क्यों एंड कर दे रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रही यार। भाई बोल दो ना एक ऑडी R8 आई भी है, आइए क्या नहीं आई है, ऑडी RS Q8 है बट वो नहीं, ऑडी R8 नहीं है, चलो कोई बात नहीं मिलेगी भाई, अब लिया है चैलेंज भाई, लगे 4 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 20 घंटे लगे, दिन लग जाए पूरा, बट अब चैलेंज लिया है तो कंप्लीट तो करके रहूँगा भाई ठीक है। चलो चलते हैं फटाफट से, जितनी गाड़ियाँ हम लोगों ने लिए इन सबको सेल पे लगाते हैं क्योंकि हम लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, बाकी हम लोग हर जगह पे भाई ड्रिफ्ट मारते हुए जाएंगे, तो अभी के लिए अपनी इसको यहाँ पे रख दे मास्डा को, मैं तो सोच रहा हूँ एक GTR में भी ड्रिफ्ट वो लगा दो, तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में ऐसा करें या नहीं करें ठीक है, एक GTR में भी पूरा का पूरा ड्रिफ्ट किट लगा देते हैं तो भाई सोचो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम समझ रहे हो। और बाय द वे जिसको पता नहीं है, ये जो अपनी ये है ना Porsche 911 ये वाली एक्चुअली किटेड है पूरी की पूरी, कहने का मतलब यहाँ की नहीं है बेसिकली, मतलब इसको किट किया गया है पूरा का पूरा, मैं समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से, बस एक बार ना पहले शोरूम को खोल दूँ मैं, देयर वी गो ठीक है, ताकि एटलीस्ट वो जो गंदी गाड़ी है वो मेरी एंट्री से हटे भाई। अब देखो कुंटाज डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है ठीक है, तो कुंटाज को देख के डालना पड़ेगा हमें,
भाई लिटरली यार 10-20 की स्पीड में, खैर ठुकती तो गाड़ी ऐसी है, ठीक है, इस चीज़ में हम डांट नहीं सकते कि गलती मेरी है, जब ठोकी मैं रहा हूँ तो फिर क्या बोलूँ अभी। छी भाई, लॉर्ड एस्कॉर्ट क्लासिक लेने कोई आ भी नहीं रहा है भाई, मेरे को पता नहीं है मैं अभी तक का कैसे। एक मिनट, कोई ऊपर खड़ा है क्या मेरे घर में? भाई स्वेयर टू यू, मैंने किसी को देखा ऊपर रे। हाँ थैंक यू भाई, और अच्छे से खड़ी कर देता है गाड़ी थोड़ी सी। हाँ इधर भी ठोक दे, चलो ठीक है, पूरी की पूरी खड़ी कर दी है गाड़ी। अब फटाफट से इसकी फोटोज़ खींच लेते हैं, एक ये लैम्बोर्गिनी कुंटाच की, एक ये पोर्शा 911 की, और उसके बाद एक ये। तो बेसिकली ये जो पोर्शा है ना, पोर्शा ऐसी बनाती नहीं है, बेसिकली ये पूरी की पूरी किटेड है, जिस बंदे ने डिज़ाइन करता है, एक बंदा है जापान में, मेरे को नाम नहीं याद है उनका, बट लिटरली भाई वो बंदे ना डिज़ाइन करते हैं इसको, और क्या ही गाड़ी बनाते हैं यार वो, क्या ही गाड़ी, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई, इतना क्रेजी काम करते हैं ना, मतलब मज़ा आ जाता है। लोग दूर दूर से उनसे अपनी गाड़ियाँ किट करवाने के लिए आते हैं, वो बहुत कम गाड़ियाँ करते हैं, बट स्टिल भाई वही वाली बात है ना भाई, हीरे की परख जौहरी को ही होती वाली चीज़ भाई, उनको बहुत लोग लाइक पूछते उछते हैं, बट वो बहुत कम लोगों का काम करते हैं देखा जाए तो। इसको हम लोगों को कितने में बेचना है? हम लोगों ने 400,000 में खरीदी थी। ओ 800,000 में बिक जाएगी? नो वे ब्रो, रुक जाओ, उतने का ही लगाते जितने की बोल रही है मैक्स, पता चला कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ, ठीक है 800,000। हाँ ये 800,000 है ना, ग्रेट कार, पुट इट ऑन सेल, पोर्शा 930। मतलब मेरे को ये 930 तो नहीं लग रही है वैसे, कायदे से देखा जाए 930 तो है भी नहीं वैसे, बट फिर भी 936 थी ना एक, मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर तुम लोगों को पता है बाई चांस तो मेरे को बताना, ठीक है, हो सकता है कि कोई पोर्शा फ़ैन हो यहाँ पे एकदम क्रेजी वाला तो बताना मेरे को, ठीक है। बाकी गाड़ी हम लोगों ने लगा दी है, एक बच चुके हम लोग, टाइम अपना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले, तो मैं सीधे जाके यहीं से जाऊंगा बस से, और जाके सो जाऊंगा कंटेनर में, ठीक है। हम लोगों को कैसे भी 5 ऑडी R8 चाहिए ना, तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ी नहीं एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगेगी, एंड वी आर रेडी टू डू इट भाई, चैलेंज लिया है तो कंप्लीट करने का दम भी रखते हैं हम, ठीक है ना। चलो कस्टमर्स इन ऑफिस, ऑफिस इज डर्टी, यू हैव अनपेड बिल्स, कुछ भी नहीं खुला आज, ना ऑक्शन ना मार्केट, बहुत बढ़िया भाई। चलो हेल्प करते हैं इनकी थोड़ी सी, जल्दी से अपना सारा का सारा गार्बेज डिस्पोज कर देते हैं, देयर वी गो। इसको भी वैसे मैंने कायदे से ये गलत अंदर रख रखा है, इसको मतलब सॉरी बाहर रख रखा है, इसको अंदर रखना चाहिए, बट सही है, ज़्यादातर कूड़ा बाहर ही दिखता है मेरे को तो। चलो देखते हैं, 3 जने आ रखे भाई इस लैम्बोर्गिनी को लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत सही प्राइस है, 600,000 में प्राइस है, तो लोग सब लोग चाहते हैं लेना। 481 ये बंदा सही प्राइस दे रहा है इसके, 481 ये देगा इसके, 498 ओके, ये बच्चा सबसे ज्यादा अच्छे प्राइस दे रहा है। ये मैडम देखते भाई, ये मैडम तो अमीर लग रही है दूर से देख के ही, ये देगी, एक पैक्ट मारूंगा ना निकलने यहाँ से। 5 लाख में ये बंदा ले रहा था, ठीक है, 628 के हम लोग दे रहे हैं, तो इसको हम लोग 5.5 लाख लगाने की ट्राई करते हैं, ठीक है, 569,000, ठीक है, इतना लगाने की ट्राई करते हैं इसको, 570,000 में मान गया मजा आ जाएंगे। देर भी होगा इस, बड़ा ही अच्छा बच्चा था, एक ही बारी में मान गया, वो पोर्शा लेने के लिए आ रखे हैं ये भैया, देखते हैं। 270,000 के हमने लगाई है, ये लेना चाहते हैं इसको 210,000 में, मेरे हिसाब से तो अच्छा प्राइस है, फिर भी मैं इनको एक मिनट ना भाई, मैडम भी आ रखे भाई, देख लेते हैं यार एक बारी, ठीक है, 270,000 मैंने लगाए हैं, ये नहीं गलत प्राइस दे रही भाई बहुत, ये एटलीस्ट 201,000 देने के लिए तैयार था, राइट भाई, ये भाग ना जाएँ अब, क्योंकि मैंने इसको छोड़ के गया बीच से, तो 249,999, ठीक है, तो इसको हम 250 का ऑफर देके देखते हैं, अगर मान गया तो मजा आ गया, नहीं ठीक है, तो हम इसको 240 का ऑफर देते हैं, ठीक है, अब सीधे लेट्स सी, $10,000 कम कर रहा हूँ सीधे सीधे मैं, नहीं मानेगा, ये इसका लास्ट टाइम है गाइस, ठीक है, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद ये लेने नहीं वाला है, तो मैं इसको कुछ ऐसा ऑफर देने वाला हूँ जो ये मना नहीं कर सकता मेरे हिसाब से भाई, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको ये ऑफर करूँ तो ये मान जाएगा, 225,000, 240,000 से 225,000, कम ऑन, यस जी जी, ऐसा ऑफर फेंक के मारा कि मेरे को भी पैसे मिल गए तगड़े, और वो बंदे को भी लाइक उसने भी ऑफर पकड़ लिया। 638 ये दे रहा है 800,000 की गाड़ी के, 638, ठीक है, 638 याद रखने, 638 ओके, नहीं वो भाई वो बंदा सबसे सही दे रहा है, ठीक है, शर्ट वाला बंदा इज द गॉड अभी, चलो 638, कम ऑन यार, ये आंटियाँ भाई इतना कम पैसे की लगा रही हैं गाड़ी का, इनको पता ही नहीं है कौन सा इंजन है इस गाड़ी, ओ ये आई वेड है कूल आंटी, अब यार यार ये तो ग्रैनी टाइप लग रही है, ये तो नहीं दे पाएंगी इसके पैसे, ओके
648 ये सबसे ज्यादा दे रही है, बट वो ग्रैनी फिर भी 642 देने के लिए तैयार थी। चलो हम लोग इसको एक काम करते हैं, एक अच्छा सा ऑफर लगाते हैं इसको, हम 730,000 में गाड़ी पकड़ा देते हैं, ठीक है। 730,000 में हमारी गाड़ी बिक चुकी है, हमारा मोस्ट प्रॉब्ली क्या हमारा हुआ ही है प्रॉफिट हर जगह पे। ये मैडम लोगों को भी हम लोग लॉर्ड एस्कॉर्ट ले जाओ यार तुम, ठीक है, तुम इसको ले जाओ, बस मेरे हाथ से जो बाई प्राइस है सुपर का बस ले जाओ, तू ही ले जा मैडम, ले ये काम कर 38,000 में ले जाओ इसको, जाओ ऐश करो 38,000 सॉरी 28,000 माई बैड अरे माई बैड यार 28,000 में ले जाओ, ठीक है 28,000 यू टेक इट एंड कीप इट विद यू। चलो ठीक है, अपना टाइम अभी तक का हुआ नहीं है, बट हम लोग एक चीज करेंगे, गाड़ी में बैठते हैं फटाफट से, ठीक है, और ड्रिफ्ट मारते हुए चलते हैं जल्दी से सीधा जहां पर होती है रेसेस, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को देख, और इसमें तेल खत्म हो रहा है, रुको या फिर एक काम कर, अच्छा चलो छोड़ो अब तो मुड़ गई ना गाड़ी, भाई ये गाड़ी क्या मस्त है यार, मजाक से हट के बताए जैसे रफ्तान कर रखे ना इसने, और ये कौन सी गाड़ी आ गई पीछे एकदम से, ये हमें तो नहीं मिलती बेचने के लिए, कुछ आया अच्छा, एक डॉज चैलेंजर दिख रही है बस, बाकी तो कोई भी गाड़ी नहीं है, तो चलो चलते हैं, सही है अपना 12 भी बज गए ऑलमोस्ट, तो हम लोग सोने जा सकते हैं, निकलते हैं सीधे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अपनी किस्मत में नहीं था नहीं इससे यार सारे वो है टूटने वाले, एक वो है जो नहीं टूट सकता, उसी से हमेशा गाड़ी लगेगी मेरी, क्या आवाज कर दी भाई इन लोगों ने, एक्चुअली गाड़ियों की आवाज थोड़ी सी बेटर कर दी है पहले से, लाइक बहुत मस्त नहीं करी है बट थोड़ी सी पहले से तो बेटर हो गई है भाई, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली ज़्यादा बेटर हो गई है, जो आवाज़ आ रही है ना फट 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 वाली, वो बहुत कूल हो गई है। लेट्स होप एवरीवन, या तो फिर क्या कहते हैं अपना ऑक्शन हाउस खुले, और या तो फिर मार्केट खुले जिसमें हमें एक ऑडी आर8 मिल जाए, मार्केट प्लेस इज ओपन, लेट्स गो प्लीज़ यार, प्लीज़ कार मार्केट, एक ऑडी आर8 यार, 5 चाहिए मेरे को, मुझे पता है पूरी रात लगने वाली है, बट एटलीस्ट एक देके दिलासा तो दे दे, लेट्स गो, सारे बोलो साथ में वामू, चलो फटाफट से ले लेते हैं, जी जी इस गाइस 4,28,000 मैडम आपको मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, आपको मैं देने वाला हूँ 3,39,000, अगर आपको लेने हैं तो आप लो मैडम वरना मैं जा रहा हूँ। अबे यार भाई अब इसको पता ही है मैंने लेनी है, वो चैलेंज कर रहा हूँ 3,50,000 वरना मैं जा रहा हूँ, देर वी गो, बढ़िया ठीक है, इसको हम लोग भेज देते हैं रिपेयर में, क्योंकि गाड़ी बहुत टूटी टाटी है, बाकी कुछ ऐसा है जिससे हम लोग पैसे बना सकते हैं, क्योंकि भाई अगर मैंने इतना बड़ा लॉस लिया तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाना तो बनता है राइट। अभी हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से अपने ऑफिस चलते हैं भाई, पहली ऑडी आर8 हमारे चैलेंज की आ चुकी है दोस्तों, और देखो एक चीज़ देखी जाए तो अभी अपना वो भी होने वाला है क्या कहते हैं उसे 26 जनवरी भी आ रही है और 22 तारीख भी आ रही है, मतलब कि समझ रहे हो ना राम मंदिर अयोध्या में कंप्लीट होने वाला है, तो हम लोग उसी के हिसाब से कुछ रखते हैं, सबसे पहले इसको भेज देता हूँ, और हम लोग पहले तो देखो 3 ऑडी आर8 को कलर देते हैं बिल्कुल इंडिया के फ्लैग का, ठीक है 26 जनवरी वाले के लिए, फिर देखते हैं आगे कैसे क्या करना है भाई, अगर मतलब भाई कैसे, अब मैंने ले लिया है चैलेंज तो मैं कंप्लीट तो करके रहूंगा भाई, ये कैसे टायर है भाई, डबल टायर क्या, ट्रक है क्या भाई, ऑडी आर8 नहीं ट्रक हो गया ये, व्हाट हुआ, और भाई कितनी टूटी हुई गाड़ी है ये, कितनी टूटी हुई गाड़ी थी वो, तुमने देखा उसको हालत उसकी भाई साहब, अभी तक रिपेयर हो रही है वो गाड़ी। मैं बस एक चीज करता हूँ फटाफट से जाके ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी ऑडी आर8s को ना यहाँ पर सजाएंगे, ठीक है, ए आई थिंक एक ऐसा आ जाएगी, दो ऐसा आ जाएंगी, तीन ऐसा आ जाएंगी, और उसके बाद दो ऑडी आर8 हम लोग यहाँ कहीं पर लगा सकते हैं, तो मेरे को इनको ना इन गाड़ियों को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा हल्का सा, फटाफट से हम लोग अपनी सुपरा को भी ना अभी के लिए, ओ भाई अबे ये क्या था, हल्का सा फेंडर में लगी है और सीधे 1.5% का डैमेज ले भाई, उड़ा दे गाड़ी, मेरी गाड़ी उड़ा दो तुम लोग, मुझे कैसे भी बचा के सारी गाड़ियों को ये सुपरा को वहाँ लगाना है भाई, बस ठीक है इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, भैया आके अपना आप क्लीन कर देंगे क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है,
ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, अपनी पहली ऑडी R8 को सबसे पहले हम लोग करेंगे सैफ्रॉन कलर, ठीक है, जो कि अपने तिरंगे का पहला कलर होता है, ठीक है। तो हम लोग अपनी गाड़ी को करेंगे सैफ्रॉन कलर, और फिर सेकंड वाली को वाइट, फिर एक ग्रीन, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर अपने झंडे वाला कलर आ सके, जो हमने एक बार GTR के साथ किया था, ठीक है। तो वही हम लोग सेम टू सेम करने वाले। तो सबसे पहले इसको लेके जाते हैं भाई। इसमें बस एक ही चीज़ गंदी लगती है मेरे को, और कुछ नहीं भाई। तुम ऑडी R8 में नॉस नहीं डाल सकते, आई डोंट नो वाई। अब कुछ तो होगा भाई, कुछ तो सोच के ही दिया होगा। पहले तो इसको सही कर देते हैं। अब इसको फुल्ली, और देखो सारी गाड़ियाँ एक ही टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज स्मूथनेस फुल, और मेटेलिक के सी के थोड़ा सा आगे, मतलब एक 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 आगे, ठीक है, मेटेलिक के सी के एक आगे, या फिर मेटेलिक के सी तक का एक काम करते हैं। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोग इसको पॉलिश करने वाले हैं, और उसके बाद कार का पहला कलर तो हम लोगों ने बोल रखा है कि हम लोग सैफ्रॉन कलर रखने वाले हैं। सो लेट्स गो विथ सैफ्रॉन कलर। ये है आई गेस सैफ्रॉन कलर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कलर भाई। अंदर यार पता नहीं क्यों इतना गंदा सा लगता है। देखो तुमने अंदर कितना गंदा लग रहा था ये कलर, पता नहीं क्या हो रखा था। चलो अभी हम लोग अपने सबसे पहले कलर को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली झंडा बनाना है, तो सबसे ऊपर होगा सैफ्रॉन कलर यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई आज ऑक्शन है 4 बजे, जितना लेट हो सकता है उतना लेट रखते हैं, और लास्ट में वो गाड़ी भी नहीं देंगे जो चाहिए, ताकि बंदा चिंगान हो जाए एकदम। बहुत बढ़िया भाई, मेरे को जेन्युइनली लगा कोई अच्छी गाड़ी आ रखी है, बट ठीक है, एक बक्की रीगर है और एक वो है, तो इसमें तो हम लोगों का कुछ भी काम धंधा नहीं है, तो चलते ही है। अरे 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 नहीं 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 यार, लिटरली भाई तुम लोग अगर ड्रिफ्ट किट लगा रहे हो ना किसी गाड़ी में, तो तुम उसके बाद उसको भगा ही नहीं सकते। अगर तुम उसको 100 के ऊपर ले गए तो भूल जाओ कि ये तुम्हारे कंट्रोल में है गाड़ी, ठीक है। काट वाट के ब्रेक मारने वाले कंट्रोल में होगी ही नहीं गाड़ी, तुम कुछ कर लो भाई फिर। चलो फटाफट से चलते हैं, और जाके अब हम लोगों को वेट करना पड़ेगा 4 बजे तक का, ताकि हम लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट ले सकें। तो मिलते हैं तुम लोगों से अब 4 बजे, मतलब अभी से 6-8 मिनट में। यार एटलीस्ट यार पहले सही था यार, एटलीस्ट तुम पीछे जाके फटाफट से चेक कर सकते थे कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारी फेवरेट कार है भी, तुम्हें जो चाहिए या नहीं है। अब तुम लोग वो चीज़ें कर ही नहीं सकते हो, तो तुम्हें खाली फालतू का बैठे रहना पड़ेगा कि अब ऑक्शन शुरू होगा, अब मैं चेक करूँगा। मतलब पता नहीं भाई, मेरे को पता है गेम वालों ने इसलिए करा है ताकि बंदे ज़्यादा देर तक गेम खेलें, बट फिर दिक्कत वही है ना कि यार फिर अगर मज़ा ही नहीं आएगा तो बंदा ज़्यादा देर तक क्यों गेम खेलेगा। सही नहीं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ क्या यार? अब अगर उसको मज़ा ही नहीं आएगा तो वो क्यों खेलेगा ज़्यादा गेम? तो ऐसी चीज़ें होती है गाइस छोटी छोटी ना, जिसकी वजह से ना गेम डेवलपर सोचते कुछ और कर कुछ और देते हैं। मतलब उनने सोचा सही होगा कि उनने सोचा होगा हमारे बंदे और लंबा गेम खेलेंगे, पूरे ऑक्शन तक का रुकेंगे, ये वो, बट इसकी वजह से मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें, इन अपडेट्स की वजह से इनका प्लेयर बेस बहुत गिरा होगा, बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज भाई यार वही होता ना यार, फिर अब इतनी देर तक का वेट करने में थोड़ा बोर भी तो होता है बंदा यार, वो भी सोचना चाहिए इनने। अब मैं 8 मिनट तक का क्या करूं? चलो वैसे तुम लोगों से बतियाते अब मुझे 4 मिनट और 5 मिनट और रुकना है, अब मैं 5 मिनट तक क्या करूं? गाड़ियां भी धो दी है मैंने अपनी। तो गाइज स्टार्ट हो चुका है ऑक्शन, और सबसे पहले अबार्थ आ गई यार भाई, अबार्थ आ गई। इसका मतलब तुम समझ रहे हो मुश्किल है कि कोई अच्छी गाड़ी दूसरी आएगी कि भाई मैं खुश हो गया, तो मेरे को लाइट वाइट चमक रही है भाई, इसका मतलब कुछ रेयर आ गया भाई। लेकिन देखो कायदे से अबार्थ आ गई, मेरे ख्याल से अब कोई दूसरी गाड़ी आना मुश्किल है, अच्छी गाड़ी मतलब, क्योंकि अबार्थ भी एक, ओ भाई अभी हो गई थी दिक्कत, क्योंकि अबार्थ भी कायदे से देखा जाए तो भाई वो है ना, समझ रहे हो। अरे ले लो कोई भाई, गलती चल यार, पैसे बढ़ाने आया था भाई, मैं तो बस पैसे बढ़ाने आया था भाई। ऐसा मेरी बारी में तो नहीं कर रहा है, इनने 2 बारी में ही वो पता नहीं क्या गंदी सी गाड़ी दिलवा दी मुझे, वो किया कार्निवल जैसी गाड़ी हो भाई यार, मेरी बारी में तो नहीं बढ़ाई इनने, ऐसे करके जैसे भूई 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 करके जा रही है, दीदी ले रही है मेरी, बताओ। और ये देखो ये अरे भाई यार, मर्सिडीज कूप का क्या करूँ मैं गाइज, बहुत टफ होने वाला है ये चैलेंज, पता है ये लग रहा है कि ईजी चैलेंज होगा, बट ये बहुत टफ चैलेंज बनने वाला है धीरे धीरे। चलो यू वॉन्ट अ कार, नहीं चाहिए वो कार, रख लो तुम ही। चलो फटाफट से चलते हैं कंटेनर पे, दोबारा से सोते हैं, लेट्स होप कार मार्केट खुली हुई। कार मार्केट में सबसे ज़्यादा चांसेस है कि हमारी ऑडी R8 आए। प्लीज़ कार मार्केट खुली हो, प्लीज़ कार मार्केट खुली हो, प्लीज़।
प्लीज कार मार्केट खुली हो, द ऑक्शन इज ओपन, वो भी जितना लेट हो सकता था 5 बजे, अब सीधा अभी बज रहे हैं 7, शाम के 5 बजे ऑक्शन, मतलब 10 मिनट बाद। अब मुझे 10 मिनट कुछ काम नहीं है, अब मैं 10 मिनट खाली बैठे ही रहूंगा, मजाक सेट के खाली बैठे रहूंगा मैं। चलो अभी किया कार्निवल खरीद ही लिए, तो इसका करूं क्या मैं, रख लेता हूं, इसको भी सेल पे लगा देते हैं फटाफट से। अब बाई हो ही गई है तो कर ही लेते हैं, 10,000-20,000 डॉलर में अपनी कायदे से वो माजडा जितनी ठोक दिया मैंने वो सही होगी, तो बेस्ट है, जितने की वो सही होगी उतने का ये बिकेगा। अरे भाई नॉस है इसमें, ये कहाँ से निकल रही है नॉस तुम्हारी भाई, ओए गाड़ी मत ठोकना मेरी, हाँ तू ठोक जा भाई मेरी गाड़ी मत ठोकना, बता रहा हूँ अभी भी। चलो इसको लगा देते यहीं पे बिकले, और इसको लगाते सेल पे, हाँ कर दे मेरे घोड़ों का सत्यानाश कर दे वहाँ। फोटो तो नहीं है अपने पास, बट ये है क्या, एक ग्रेट कार 47K में जा रही है, तो इसको निकाल देते हैं, पुट इट ऑन सेल। अपनी शॉप खुली हुई है, यस सर शॉप खुली हुई है, और देखते हैं एक बार, हमारे पास बिल आए हुए हैं कुछ, कितने का, 1,00,000 के बिल, $1,00,000 के बिल आए हुए भाई हैं, पार हो गया मैं। चलो भाई अब हम लोगों को कायदे से वहीं पे बैठना है 5 बजे तक का, तो चलो दोबारा से वेट करते हैं, अभी बज रहे हैं 10, 5 बजे तक का मतलब 7 मिनट और मैंने रुक के बैठना है वहाँ पे। तुम्हें पता है ऐसा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि भाई 7 मिनट ही तो रुकना है, बट दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे 7 मिनट रुकने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो मैं चाहूँ तो जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, बट मुझे रुकना पड़ेगा, समझ रहे हो, फालतू का ये चीज़ से प्रॉब्लम है भाई। और उसके ऊपर से फिर ये इतना लेट वेट, अब तुम सोचो हमें 5 ऑडी R8 चाहिए, अगर बाय चांस मान लो 10 ऑक्शन में भी मिलती है, सारे ऑक्शन 5 मिनट में भी होते हैं, तो 5 बजे भी होते हैं, तो मान के चलो 10 मिनट के हिसाब से 50, तो 1 घंटा मेरे को सिर्फ ऑक्शन चेक करने में लग जाएगा, खाली चेक करने में, और उसमें कन्फर्म नहीं है, क्योंकि पिछले 3 से 4 ऑक्शन में एक भी नहीं मिली है। मैं तो खाली बोल रहा हूँ कि 10 ऑक्शन में 5 मिल जाएंगी, तुक्का मार रहा हूँ मैं बस भाई, दिक्कत पे दिक्कत होने वाली है, तुम देखो बस। गाइज जस्ट स्टार्ट होने वाला है ऑक्शन इन अ मिनट, ठीक है, लेट्स सी। आई जस्ट होप भाई अगर हम लोग गलती से एक ला फरारी मिल गई या फिर एक डॉज वाइपर मिल गई ना, मतलब मैं जेन्युइनली भाई, मैं तो भाई हद ही खुश हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा भाई। भाई मजाक करो, लास्ट टाइम भी हमारी किस्मत ऐसी चमकी थी, मतलब ऐसे भी नहीं चमकी थी, बट थोड़ा इसी के आसपास चमकी थी, अगर तुम्हें याद होगा क्या हुआ था तो भाई हम लोगों को गलती नहीं बोलूँगा, मतलब मैंने अपना पूरा 100% दिया, और एक नई ट्रिक भी आजमाई, उसकी वजह से भी मे बी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई, बट भाई हम लोगों को जो ये मिली है ना माजडा RX-7 पिछले एपिसोड में, भाई उसी तरीके से मिली है। लेट्स सी क्या पता अपनी किस्मत दोबारा चल जाए, और क्या पता हमें वो 1% वाली ला फरारी, नहीं तो 1.7% वाली डॉज वाइपर मिल जाए, दोनों में से एक प्लीज़ यार प्लीज़। कायदे से उनसे डबल जिनका वो है पुल रेट है वो भी नहीं मिली है हमें। लो भाई सुपर आ गई, तो इसका मतलब मुश्किल है गाइस, अब मुश्किल है इसके अलावा कुछ भी अच्छी गाड़ी आना, क्योंकि एक मैंने देखा ज़्यादातर एक लॉट में एक अच्छी गाड़ी आती है, ठीक है, तो लास्ट टाइम जैसे वो आई थी अबार्थ आई थी, इस बार सुपर आ गई है, तो मेरे को लग रहा है मुश्किल है कि एक और अच्छी गाड़ी आएगी, बट यू नेवर नो भाई, किस्मत के भरोसे बैठा हूँ मैं तो भाई, क्या पता अगले वाले में ला फरारी खड़ी हो या डॉज वाइपर खड़ी हो, यू नेवर नो। एकदम हरी डॉज वाइपर बनाऊंगा जैसी वो नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2 में थी, मज़ा आ जाएगा यार, बस मिले तो सही। हाँ ठीक है, बजाओ ताली बजाओ भाई, बढ़िया गाड़ी आई, ताली बजाओ सारे। कस्टमर इन ऑफिस चले जाऊँ क्या यार, लग नहीं रहा मेरे को कि इसमें आएगी। चलो अब लेकिन यार जहाँ पे 10 मिनट रुके हैं वहाँ पे और रुक ही जाते हैं। एक दिन लोगों ने ये गंदा कर दिया ना भाई, तुम गाड़ी में बैठ के माउस ही नहीं ला सकते, पहले एटलीस्ट एक मोशन था जिसमें तुम हिला सकते थे, भाई मेरे को गाड़ी में बैठ के देखना ऑप्शन नहीं कर सकता मैं। ये बक्की रीगर, एक मिनट यार बक्की रीगर आ गई, ओए बायो टेली टिकट, बस 60,000 रुपये बढ़ा दिया है, अभी अपने आप भिड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे भाई। वैसे बक्की रीगर आ गई ना तो हो भी सकता है भाई, हो भी सकता है भाई। चलो चलते हैं गाइस फटाफट से जाके सोते हैं, और हम लोगों को कैसे भी अभी 4 और ऑडी R8 जमा करनी है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी हालत ऑलरेडी टाइट हो गई यार, तू ले जा तो यार भाई इसको ले जा, तू ले जा इसको, रुक जा मैं दे रहा हूँ तेरे को, सुन मेरी बात सुन। कितने दे रहा है? 3300 दे रहा है ना, एक काम कर सुन, बार्गेन करो तो 1 डॉलर में ले जा इसको,
ले जा ले जा ले जा, थैंक यू भाई, एक डॉलर में ले जा तू इसको, ऐश कर इससे भाई तू, बहुत ही भाई, कोई तो खुश हो, कोई तो खुश हो, कोई बंदा तो खुश हो ना एटलीस्ट भाई। इन लोगों ने लिटरली वो चीज़ बहुत गलत करी यार, जो ऑक्सीजन के पीछे से वो हटा दिया ना इन लोगों ने, देखने वाला वो चीज़ बहुत गलत थी रे, वो दिख जाता ना, मज़ा आता है यार, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। चलो, कार मार्केट प्लेस खुली हुई है, इसका मतलब थोड़े से चांसेस है कि हम लोगों को एक ऑडी R8 मिल सकती है, सो लेट्स गो प्लीज प्लीज प्लीज। यस, है तो सही, अरे मैं अंधा हूँ क्या, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, और ये तो परफेक्ट कलर है, रुको जरा, अच्छा मैं अभी साफ नहीं कर सकता, खरीदनी पड़ेगी, ले लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो कितने की बोल रहा है, कितने की बोल रहा है, 5-11, अच्छा दूंगा तेरे को 5-11, 4-11 ले चुपचाप, ठीक है ना, यहाँ स्कैम मत करने बैठ मेरे को, हाँ इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कार, तुझे बता दूंगा 2 मिनट में भाई, ये परफेक्ट कलर है, मैं वाइट ही चाहिए थी, मैं वाइट करवाता, इससे बढ़िया उसने खुद ही वाइट करके दे रखी है मेरे को, देख रहे तुम लोग, बस हम लोगों का एक चीज, एक्चुअली वाइट वाले में हम लोग वो नहीं कर सकते हैं जो हम लोगों ने मेटालिक वाला किया ना, क्योंकि फिर वो वाइट नहीं लगता है दिखने का, समझ रहे हो तुम लोग, फिर वो वाइट नहीं लगेगा तुम्हें, फिर वो तुम लोगों को आगे पीछे की कलर को वो करने लग जाता है, रिफ्लेक्शन करने लग जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं 340 के दे देंगे, ठीक है, लेट्स सी, अगर 340 के में मान जाता तो मान बढ़िया, मान तो जाना चाहिए बोलने वाला था मैं, इसको हम लोग दे देते हैं, फरारी भी खरीद ही लेता है, अच्छा प्राइस फेच करती है भाई, पोर्शा ले सकते तो फरारी तो लेना बनता ही है, क्योंकि सीधी सी बात है फरारीज आर मोर एक्सपेंसिव, 2 लाख इसको हम लोग ऑफर करके देखते हैं, लेट्स होप ये मान जाए, नहीं माना तो कोई नहीं, बढ़ा देंगे थोड़ा, यप 2-10 ऑफर करके देखते हैं, लेट्स सी अगर 2-10 में मान जाता है तो प्लीज़ थैंक यू, इफ दिस कंटिन्यूज आई वोंट बी एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, कितने मांग रहा है ये 268 ना, चलो इसको 238 देते हैं, 30,000 का डिस्काउंट तो लगा ही सकता है मेरे हिसाब से, यस सर थैंक यू। चलो फटाफट से इस गाड़ी को भी हम लोग टो ट्रक में भेज देते हैं, बाकी कोई भी गाड़ी अच्छी नहीं है खास करके वो, लेट्स गो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और सारी गाड़ियों को सेल पे लगाते हैं, और यही चीज़ भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कार मार्केट खुले, बार बार खुले, एक के बाद एक खुले भाई, ऑक्शन आए ना, नहीं ऐसा भी नहीं मतलब ऑक्शन आए ना, बट कार मार्केट खुले यार, प्लीज़ यार प्लीज़ कार मार्केट खुले भाई, धड़ाधड़ खुले और मज़ा ही आ जाए बिल्कुल, ठीक है। देखो मैं खाली बातें नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों को करके भी दिखाऊँगा वो चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं करके नहीं दिखाऊँगा, रुको जरा, ठीक है, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि वो मेटालिक वटैलिक वाला तुम लोग सोच रहे होगे ना कि भाई तो तुम एक बार करके दिखा दो ना, अगर वो मेटालिक वाला अच्छा नहीं लगेगा तो हटा देना, बट फिर वही ना पैसे लग जाते हैं ना उसमें यार, वो भी 20,000 डॉलर ले ले रहे हैं आजकल तो। वाइट फरारी ये रही, ग्रेट कार एज यूजल, 488 में बिकेगी, मज़ा आ गया भाई, ठीक है, तो 488 में वाइट फरारी भेज देते हैं, ये कुंटाज और RR भी अंदर डाल लिए मैंने, कुंटाज तो हम लोग भेज देंगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरे को फिर शार्प टर्न काटना पड़ेगा और तुम्हें पता ही है फिर क्या हो रहा है आजकल। चलो इसको लगा देते हैं यहाँ पे, इन लोगों ने गेम में कुछ तो करा है, ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लाइट कर दिए हैं एकदम, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये यहीं पे खड़ी है ना तो इनको यहीं से ले जाते हैं, जहाँ से कायदे से मैंने ले जानी चाहिए, बट ठीक है, ठीक है, ये हो गया और फाइनल हमारी लास्ट एक ऑडी आ रही, ठीक है, ये रुको इसको एक काम करते हैं, ठीक है, मैं सबसे पहले तो वो जो कुंटाज है ना उसको भी सेल पे लगा देता हूँ, रुको कुंटाज ये रही, कुंटाज कुंटाज की एक दो फोटोज़ तो पड़ी होंगी मेरे पास वाइट में, बस हो गया काम, 765,000, ठीक है, ये लगा दी हमने सेल पे, तो बढ़िया है, अपनी कुंटाज और फरारी दोनों लग चुकी है, ऑडी R8 मैंने बेचने के लिए ली भी नहीं है, तो कोई भी गाड़ी और बेचनी है। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था, कि वाइट में ना हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते कि फुल्ली मेटालिक, सॉरी स्मूथनेस फुल और मेटालिक तुम्हारा सी तक का जो हमने करा था ना लास्ट टाइम तक का, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो वो क्यों नहीं कर सकते भाई, ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं यार गाड़ी में, 20 की स्पीड में ब्रेक नहीं लग रहे हैं भाई, क्या कर दिया ये, और वो देखो रुक ही नहीं रही हो, मेटालिक और सी तक का ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, पॉलिश कर दी मैंने, वाइट कलर तो परफेक्ट है इसका। अब देखो सीन क्या होगा ना, ये रिफ्लेक्टिव कार बन जाएगी, अरे यार ये तो और अच्छी लग रही है वैसे, दूध सी सफेदी स्मूथनेस से आए, रंगीन गाड़ी भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद ऑडी R8, बस इसको ऐसे करके लगा देते हैं, आई थिंक सही है, देख रहे हो अब मैं घुमा ही नहीं सकता अपना माउस, देख रहे हो तुम लोग, क्योंकि माउस से चेक कर लेते थे ना हम पहले कि कैसे दिख रही है, सही लग रही है, देखो सही हो गया, अब हम लोगों को सिर्फ एक ग्रीन ऑडी R8 चाहिए और उसके बाद फुल मजे मजे, ठीक है। हम लोगों ने लगा दिए वो दोनों गाड़ियाँ, ऑफिस खुला है बंद है, खुला है ना, तब भी बंदे नहीं आ रहे, ऐसा क्या हो गया भाई, मेरे को लग रहा है ना वो मैंने एक वो सड़ी हुई गाड़ी भेज दी ना फोर्ड एस्कॉर्ट, उसकी वजह से अब कोई नहीं आ रहा, अरे आ गया आ गया, माई बैड सॉरी, पर मैंने इनको अभी गाड़ी बेचने नहीं वाला, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, ठीक है, मतलब गाड़ी बेचूंगा बट अभी नहीं, मैं बताता हूँ क्यों, बस क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है, जाके सोने का,
तो हम लोग पहले सो के आते ताकि हमारा डे भी रिफ्रेश हो जाए, हम खाली वेस्ट ना करें अपना टाइम। भाई मेरे को जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है करना है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, समझ रहे हो, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, और सिर्फ 2 गाड़ियाँ जमा हुई हैं, और वो भी मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे को थोड़ा लक्की फील हो रहा है कि कार मार्केट में हर बार गाड़ी आ रही है, जितनी बार कार मार्केट खुली है, और अब ऑक्शन आ गया 5 बजे। जैसे बोलता हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब क्यों, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क माई सेल्फ ओनली कि क्यों तू अपना मुंह खोलता है भाई। फटाफट से चलते हैं, पहले इसको देखते हैं, कुंटाज मांग रहा है हमसे 765 के, हम बोल रहे हैं ये मांग रहा है तेरी ऐसी की तैसी, भाग यहाँ से चोर कहीं का। हाँ नहीं तो देख रहे हो तुम लोग 765 की मैं भेज रहा हूँ, 4.5 लाख में मांग रहे हैं। अबे तू पागल हो रखोगे सारे, क्या कर रहे हो तुम लोग ये, देखते हैं 488 मैं मांग रहा हूँ, 374 ये बढ़िया प्राइस दे रही है मैडम, ठीक है 1 लाख का फर्क हो तो समझ में आता है भाई, ये तो महंगे पता नहीं क्या समझ दे रहे, फ्री में ले जाओ भाई। 329 नहीं मेरे को जचा नहीं, इसको ही भेज देते हैं ठीक है। 374 बेच रहे बोल रही हैं, 488 मैं बोल रहा हूँ, इनको मैं बोलता हूँ 430 के में मान लो बात, ले जाओ गाड़ी, कम ऑन यार, नहीं ओके बढ़िया बेस्ट भाई। अब देखो कुंटास तो हम लोगों को रुक के ही सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग बहुत सस्ते में खरीदना आ रखे हैं, बहुत सस्ते में ठीक है। 7.5 लाख की गाड़ी है, 4.5 लाख मांग रहे, 3 लाख का फ़र्क भाई, $3 लाख का फ़र्क कोई करता है क्या, फालतू की बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ भैया। हाँ ये भी 5 लाख 2.5 लाख का फ़र्क ये कर रहा है, वो भाई वो कह रहा 50,000 का फ़र्क कम कर देता हूँ ये ले। अब इसको देखो, ये बंदे को देख के लग रहा है ना, ये तू निकल यहाँ से, ये बंदे को देख के लग रहा है तू निकल यहाँ से, समझा। देखो ये 5 लाख में एटलीस्ट मान रहा है, तो मैं एक ट्राई करता हूँ कि 6 लाख में अगर खरीद लेगा तो मैं दे दूंगा ठीक है। तो 5 × 5 = 9, 6 लाख में मान गया तो ले जा ठीक है, नहीं मान रहा है तो मेरे पास है तरीका, डोंट सेल। और तू भाई तू भी सुन मेरी बात सुन, ना ना तू मेरी बात सुन भाई, निकल मेरे ऑफिस में आके चाय वाय पी के लास्ट में गाड़ी की वैल्यू लगा रहा आधी है, चाय वाय सब ले लू के। चलो सुनो मेरी बात सुनो, तुम मेरे को जजमेंटल आदमी लग रहे हो दिमाग से, कि तुम सही जजमेंट लेते हो, लोगे 6 लाख में नहीं तो तू भी निकल, निकलता है कि मारू सर पे रगड़ा एक है, निकल। बंदा गाड़ी बेचैन की नौटंकी सहे भाई, पता नहीं क्या करूं मैं क्या नहीं करूं मैं। चलो अभी चलते हैं फटाफट से, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो ब्रेकिंग देख रहे हो गाड़ी की, बहुत बढ़िया है। चलो भाई जब तक है ये लोग एक्शन स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे खड़े होकर अपनी गाड़ियाँ से वो करता हूँ, धोता हूँ, और मैं तो कहता हूँ यहाँ पे एक कैंप लगा देता हूँ कि दूसरों की गाड़ी भी धोऊंगा फॉर मनी, फुल मौज। गाड़ी धुलवा लो, गाड़ी धुलवा लो, आज ही सुनसान होना था इनने। तो गाइस स्टार्ट हो चुका है ऑक्शन, और आ रखी है फरारी। तो वंस अगेन तुम समझ गए होगे जो मेरा लॉजिक बोलता है उसके हिसाब से एक ऑक्शन में एक ही अच्छी कार आएगी, और अगर यहाँ पे फरारी आ चुकी है तो इसका मतलब फरारी आ चुकी है दोस्तों, अब कोई अच्छी गाड़ी नहीं आने वाली है ठीक है। तो ना ही हमें ला फरारी मिलेगी, ना हमें ऑडी R8 मिलेगी, हम बस यहाँ पे हाथ पे कपड़ा लेके पिछले 10-20 मिनट से वह बैठे हुए हैं, बढ़िया एकदम, जी सर हाथ में कपड़ा लेके वह बैठे हुए हैं, आने वाली कोई गाड़ी है नहीं, बेवकूफ़ों की तरह बस बैठे हुए हैं। बैठे क्यों अंकल, आप और मैं दोनों, ये लो इसी बात पे मैं आपका मुंह पोछ देता हूँ ठीक है अंकल, खाली क्या दोनों टेंशन में, तुम्हारे भी पसीना आ रहा है धूप में खड़े खड़े, ये लो बढ़िया देख रहे हो, और तुम लोग मेरी वीडियो लाइक भी नहीं करते, मैं यहाँ रैंडम अंकलों के जाके पोछा साफ मतलब सॉरी पसीना साफ कर रहा हूँ, और तुम लाइक तक नहीं मार रहे हो, एक सब्सक्राइब तो बहुत दूर है, तमी थोड़ा है तुम्हें, ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये। ये स्टेशन मैं लेता हूँ, स्टेशन वैगन ला भाई ला, टिकट दे भाई ये मैं लूँगा, ये स्टेशन वैगन ला, ना ना छोड़ भाई तू सब छोड़, ये मैं ले लेता हूँ भाई, ये मैं ले लेता हूँ, मैं यही तो लेने आया था, दो मिनट बेस्ट भाई। चल अपनी स्टेशन वैगन आ गई गाइज, अब यहाँ पे हम पिछले 15-20 मिनट से बैठे हुए थे, अब चलते हैं घर को ठीक है, जाके सो जाते हैं क्योंकि शाम के 5 बज गए। माय गॉड कह रहा हूँ यार, ऐसा चिढ़ाने वाला कर रखा ना इन्हें काम बिल्कुल यार, क्या मजा आता था भाई, जाओ सो वापस आओ चेक करो ऑक्शन में कुछ आ रखा नहीं आ रखा है, जाओ सो वापस आओ ऑक्शन में चेक करो कुछ आ रखा नहीं आ रखा है, क्या मजा आता था भाई लेजिट भाई, मैं पूरी रात खेल सकता था वैसे। अब यहाँ पर 10 मिनट तक मैं रीले स्क्रॉल कर रहा हूँ जब तक वो आ रहा है नहीं आ रहा है, कार मार्केट खुली है इसी से मुझे भरोसा है, बस कार मार्केट से पूरा भरोसा है मुझे,
कार मार्केट इज द बेस्ट, कार मार्केट से मुझे पूरा भरोसा है। कार मार्केट ने भी मुझे धोखा दे दिया है, कार मार्केट ने भी मुझे धोखा दे दिया है। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, देखो कोई ऑडी आरेट नहीं है, यहाँ पे एक पोर्शा दिख रही है बस, कोई ऑडी आरेट नहीं है, और एक अबार्थ एक पोर्शा बस। करके कर रहे गेम मेरे साथ भाई, तू तो दे दे कम से कम डिस्काउंट तो दे दे यार, 130 की दे दे ला, 130 की दे दे भाई प्लीज यार। अबे यार तू कैसा आदमी है भाई, एक बंदा का मूड खराब है, अपनी गाड़ी सस्ती में भेज देना भाई यार मूड सही करने के लिए। एंड ऑफ पेशेंस आ गया तेरे बेटे, कान के नीचे मारूंगा ना, इतनी महंगी गाड़ी बना रहा है तू बेफालतू की, 150 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा, चाहिए तो ले वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? मेरे को चाहिए भी नहीं है गाड़ी अब। छोड़ो यार, मटर पनीर पे फोकस करते। कुंटाज लेने कोई आया हुआ है भाई वहाँ, रुको हम लोग पहले अपनी ये GT3 भी लगा देते हैं। चलो भाई, क्या लग रही है भाई ये काले कलर में, मजा आ गया यार, वाइट बॉडी किट और काला कलर, ये आई नहीं क्या फोटो? अच्छा सेव हुई है। चलो 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 चलो, इसको भी लगा देते हैं, काले कलर की पोर्शा, ग्रेट कार 294 जो मुझे मिल लेनी है, बट मैं फिर भी लगा रहा हूँ, लेट्स गो। कितने की लोगे भैया कुंटाज, कितने की लोगे? 765 मेरा प्राइस है, 7 लाख में आप ले लो। छोड़ो छोड़ो यार सीधा ऑफ, चलो बढ़िया अच्छे ऑफर कर रहा है फिर भी। 650 के बात ख़त्म, ना आपका ना मेरा। यार ये क्या चल रहा है मेरी किस्मत में? नहीं भाई मुझे बताओ ना यार, क्या चल रहा है मेरी किस्मत में ये? अब वो भी गुस्सा होके चली गया है। भाई सब जाए भाड़ में, इसको मजा आ रहा है बहुत भाई, वो चलाते चलाते सीटियां बजा रहा है। मेरा यहाँ पे भाई चुचुंदर बना के चल रहे लोग, और ये इनको मजे आ रहे हैं भाई मेरे एम्प्लॉयज को। मैडम 240 में लेनी है तो ले जाओ, मेरा मूड बहुत खराब है तब मैं आपको सुनो फिर सुनो, एक काम करते हैं, $1 कम कर देता हूँ, ले जाओ। नहीं तो ठीक है, लास्ट ऑफर मैडम, इससे सस्ती मैं नहीं बेच सकता हूँ, जितने की ले रहा हूँ उतने की ही बेच रहा हूँ। नहीं तो आप ओके ओके मैडम, ओके मैडम, दैट इज द डोर, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये देखो सेम मैडम बहरूपिया बन के इस साइड आ गई, अब कुंटाज खरीदने आ गई है सस्ते में। ये लोग पता क्या कर रहे हैं, ये मुझसे सस्ते में खरीद के अपने शोरूम में और महंगे में बेच रहे हैं। 6 लाख बोल रही है मैडम, 7 लाख लास्ट प्राइस लगा देता हूँ मैडम को, ठीक है? 6 × 5 = 9, बस ये देख रहे हो ऐसे होते हैं भाई। 6 × 5 = 5 लगा दिया मैंने उसको, बढ़िया ठीक है। अभी देखते हैं अपनी वो खरीदने जो भी आएगा, और तब तक हम लोग अपनी द बेस्ट कार स्टेशन वैगन लेके निकालते हैं भाई, द बेस्ट कार एवर टू एग्जिस्ट स्टेशन वैगन, जो हम लोग इतनी देर से ऑक्शन कर रहे थे ना जिसके लिए, वो कार गाइज हमें फाइनली मिल चुकी है ना। आई थिंक ये जो रात के कितने बज रहे हैं अभी, 4 बज, मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो जो 4 बज रहे हैं ना अभी, ये 4 बजे हम लोग यही गाड़ी लेने तो उठे हुए पिछले 3 घंटे से, यही गाड़ी तो ढूंढनी थी मुझे पिछले 3 घंटे से। मैं मजाक थोड़ा कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, अरे भाई यार फ्लीट भाई मजाक क्यों कर रहे हो? नहीं यार नहीं, यही गाड़ी तो चाहिए थी मुझे ऑक्शन में, यही स्टेशन वैगन, यही तो लेना आया था। तुम्हें नहीं पता होगा भाई ये बहुत लेजेंडरी गाड़ी है, ये है ना, ये गाड़ी बहुत लेजेंडरी गाड़ी है। क्या बोलूँ अभी यार, भाई मैं तो ऐसी गाड़ियाँ ले लेके एक एक डॉलर में बेच देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये मैडम आई हुई है, 294 का मैडम क्या लगाने वाली है प्राइस? 174, ओके, सीधे 1,20,000 कम कर दिया मैडम ने, 294 का मैडम सर लगा रहे हैं, 2 लाख, चलो थोड़ा तो अच्छा प्राइस दिया, 294 का ये लगा रहा है क्या, 2,01,000 से ऊपर होगा तो मज़ा आ जाएगा, बढ़िया ठीक है। तो इसको हम लोग 60,000 में बेचने की ट्राई करते हैं, अगर 260 में मान गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं ओके, तो इसको हम लोग 250 में मानने की बात करते हैं, ठीक है 250 में मान गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं ओके नाइस बढ़िया, 250 में भी निकल गई है। और ये स्टेशन वैगन कोई ख़रीदना आ जाए तो मैं उसको लिटरली अभी का अभी $1 में बेच दूंगा, कोई भी जो भी पहला बंदा आया, मैं मिस्टर बीस्ट भाई कार फॉर सेल का, कार फॉर सेल का मिस्टर बीस्ट इज हियर, जो भी बंदा
सो गाइस, जो भी बंदा अगला हमारे कार फॉर सेल वर्ल्ड में आएगा, जो भी हमारे इस वामू शोरूम के अंदर आएगा, हम लोग उसको ये गाड़ी देने वाले हैं ओनली फॉर $1, क्योंकि उस बंदे को इसे जंग के यार्ड तक ले जाने में ही $1 से ज्यादा रुपए लग जाएंगे। तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। व्हाट गाइस, ओके, मुझे गाइस सारी की सारी गाड़ियां लेकर आनी पड़ेंगी और मुझे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सुबह दिन के 2 हो चुके हैं। यार मैंने पहले क्यों नहीं चेक करा, मैं बेवकूफों की तरह रुका रह गया भाई कार मार्केट के लिए। यार मुझे पहले चेक करना था। अरे यार एक तो ये गाड़ी हटाओ यार, अब मैं नहीं चला रहा इसको, बहुत यार बहुत हो गया यार। ये देख रहे हो क्या, कुछ भी मुड़ ही नहीं रही वो गाड़ी, वो रपट जा रही है छोटी सी मुड़ान में। हल्का सा लेफ्ट काटो, रपट जा रही लेफ्ट को, हल्का सा राइट काटो, रपट जा रही राइट को। अरे भाई इतने लोग आ गए, मैं सेलेक्ट कैसे करूं मेरा विनर? रुको जरा, अभी विनर मैं सेलेक्ट करूंगा आके, ठीक है दोस्तों, आके विनर सेलेक्ट करूंगा मैं मेरी मिस्टर बीस्ट वीडियो का। अभी के लिए तुम सारे के सारे विनर हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, वो हो गया उसमें तो नहीं मान रहा है, एक GTR लेके चलते हैं। प्लीज़ 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 गाइज, मैं जेन्युइनली बताऊंगा, प्लीज़ प्रे करो यार, प्लीज़ प्रे करो कि GTR से वो बैटिस कार कर ले, क्योंकि तुम्हें ही पता है और मुझे ही पता है कि GTR से जो भी बैटिस कार करेगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। चलो भाई ये देख रहे हो तुम लोग 150 कैसे पहुंचती है। शिट भाई, यार ये गाड़ियां रुकी, देख रहे हो कितनी देर से ब्रेक मार रहा हूं मैं, अब जाके खड़ी हुई है गाड़ी, वहां से ब्रेक मारते हुए आ रहा हूँ, रुकी नहीं रही गाड़ियां। बैटिस कार प्लीज 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 ब्रो प्लीज, करना प्लीज ना यार देना डॉज वाइपर, देना ए आप दोनों आप दोनों प्लीज। नहीं हो रहा है, GTR से बैटिस कार नहीं होगा, किससे करूँ। देखो GTR से नहीं हो रहा है तो व्हाट इज नेक्स्ट। ये सही है भाई, हाँ ऐसे तो खेलते हैं, क्या खेल लो मैं GTA 3? हाँ नहीं तो यार, चलो अब एक काम करते हैं, GTR से भी बैटिस कार नहीं हो रहा है तो अगली गाड़ी हम लोग लेके चलते हैं GTR की जगह, क्या ले जा सकते हैं? ऑडी R8 तो नहीं ले जानी क्योंकि ऑडी R8 में नॉस नहीं है, तो कुछ भी कर लो हारना ही है, ठीक है। तो ऑडी R8 जो ले जाएगा वो बेवकूफ़ी होगा भाई, सही बताऊँ तो, ठीक है ना, हारना ही है क्योंकि उससे। अरे यार क्या एंगल है, मैं माउस भी नहीं ला सकता हूँ यार, वो दीवार दिखा रहा है मेरे को यार। ऐसा कर रखा ना इन्होंने, कुड़ान कर रखा है गेम का पूरे। यार इसको ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ? चलो भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमारी फरारी भी चले जाए, बट यू नो इट आई नो इट, फरारी SF90 हम लोग एक और ले सकते हैं, बट डॉज वाइपर दोबारा नहीं आएगी, ठीक है, तो एक रिस्क तो बनता है, भाई। चलो प्लीज मान जा, बैटिस कार कर दे, प्लीज। यार डोंट टेल मी ये खाली ला फरारी के साथ रेस करती है भाई, अगर करती है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है भाई गेम बनाने वाले, मैं जेन्युइनली बताऊंगा, ला फरारी और इसका कोई मैच नहीं है भाई, डॉज वाइपर और ला फरारी कहीं से कहीं तक नहीं है, ना पैसों में और ना ही इंजन में भाई। तो अगर तुम सच्ची में ऐसा सोच रहे हो कि ला फरारी से ही होगा इसका रेस, और कौन है मेरे पास, और कौन सी गाड़ी है जिससे मैं इसका रेस करा सकता हूँ? देखो अगर ये सुपरा से भी मान जाता ना भाई, मैं रेडी हूँ, ठीक है ना, सुपरा से भी इसकी पद्दी निकाल दूंगा मैं डॉज वाइपर की, मुझे अपने पर इतना भरोसा है, बट दिक्कत वही है कि क्या ये मानेगा। अरे अभी हो गया था, वीडियो के चक्कर में लोग मर जाते भाई मुझसे, वो बेचारे आए हुए हैं मिस्टर बीस्ट वाली वीडियो में आने के लिए और वहाँ मैं लोग दबा रहा हूँ। देखो अगर ये पुरानी गाड़ियों से ही मानेगा ना, क्योंकि डॉज वाइपर भी बहुत पुरानी गाड़ी है, मतलब इतनी पुरानी भी नहीं है जितनी ये है, बट स्टिल अगर ये पुरानी गाड़ियों से ही मान रहे हैं ना, तो मे बी यहाँ पे पोर्शा काम पे आ सकती है, लाइक मैं ट्राई तो कर सकता हूँ पोर्शा से बीट करने की, ठीक है, एक डॉज वाइपर को। तो लेट्स सी, अगर ये पोर्शा से कर लेता रेस तो भाई यार अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं, 2 घंटे और बचे, 2 घंटे भी 2 मिनट इन गेम, मतलब समझ रहे हो। चलो लेट्स सी प्लीज़,
प्लीज बैठ इस कार, बैठ इस कार, बैठ इस कार, प्लीज 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 प्लीज। ये जितने ज्यादा पैसे बता रहे ना उस हिसाब से ये नहीं मानेंगे बैठ इस कार, समझ रहे हो ना तुम लोग? क्योंकि जितना ज्यादा रुपए होते हैं इसका मतलब कार में डिस्पैरिटी उतनी ज्यादा है, तो इसकी वजह से वो लोग कार तो नहीं बैठ करने वाले हैं। बट यार आई रियली वॉन्ट दिस कार यार, मानो ना यार, कर लो ना बैठे इस कार यार, प्लीज कर लो, प्लीज कर लो। उंगलियों में दर्द होने लग गई भाई मेरे तो यार, मुझे वो डॉज वाइपर चाहिए मेरे कलेक्शन में यार। उसके बाद तुम सोचो ना सिर्फ और सिर्फ ला फरारी बचती है यार। प्लीज यार कोई गाड़ी तो होगी, मैं सुपरा भी ले जा रहता हूँ, मस्टैंग भी ले जाने के लिए रेडी हूँ मैं। इवन दो मस्टैंग सही बताऊँ तो फास्ट नहीं है, ठीक है, डॉज वाइपर पेल देगी मस्टैंग को, बट आई एम रेडी अगर मुझे एक चांस तो मिले एटलीस्ट, समझ रहे हो ना? एक चांस होता ना, एक मौका होता है यार, कि तुम्हें एक, समझ रहे हो ना यार, एक उम्मीद की किरण नहीं बोलते जिसको, वो होती है कि भाई हाँ हो सकता है कुछ। तो यार हो सकता है कुछ पे ना मैं पूरा गेम खेल दूँ भाई। ओके पहले सुपरा ले जाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो सुपरा मस्टैंग कुंटाज, ठीक है, सुपरा मस्टैंग कुंटाज और अवार्ड भी लेके चलते चलो यार, देखी जाएगी। क्या पता ऐसा हो कि हम लोग दिमाग से कुछ और ही सोच के चल रहे हैं और इन दी एंड ऑफ द डे पता चल रहा है कि वो अवार्ड से रेस करने के लिए रेडी है। चलो यार रात हो गई गाइस, ये करते करते, अरे भाई यार कैसी रिवर्स में नहीं खुल रहा है भाई। प्लीज यार, प्लीज यार बोल दो, प्लीज बोल दो कि वो जाता नहीं है, ठीक है, कार्स नहीं जाती है, बस ये बोल दो। क्योंकि मुझे जहां तक याद है कार्स नहीं जाती है, अब कार्स नहीं गई है तो हमारे पास पूरी रात बैठी है। मैं करने वाला हूँ भाई, मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास पूरी रात है, मैं तो कोशिश करने वाला हूँ कि हम लोगों को ये डॉज वाइपर से बैटिस कार मिल जाए। प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई, मैं सारी गाड़ियाँ लाने के लिए तैयार हूँ यहाँ, मेरे को लग जाए 2-3 घंटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमॉन यार, कमॉन, प्लीज़ प्लीज़ बैटिस कार। जितनी ज़्यादा इतनी बड़ी बैट बता रहे हैं ना ये, तो इसका मतलब कि वो नहीं मान रहे कि ये गाड़ी इसके बराबर की है, तो बैटिस कार करने के लिए रेडी नहीं हो रहा। जबकि मैं मजाक नहीं करूँगा, अगर सही से चलाया जाए ना तो अवार्ड से तुम बीट कर सकते हो डॉज वाइपर को एनी डे। बहुत सही भागती है गाड़ी, बहुत सही, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगली हम लोग सुपरा लेके चलते हैं। सुपरा से तो अगर पंगे हो गए तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सुपरा से तो मुझे पता है मैं हरा ही दूंगा। कमॉन यार, कमॉन, बैटिस कार, बैटिस कार नहीं करेगा यार, 16,000 पहुंच गया। क्योंकि सुपरा और इसके प्राइस में बहुत डिफरेंट है ना, डिफरेंस है ना यार, कि सुपरा जितने की गाड़ी है उतने की डॉज वाइपर नहीं, डॉज वाइपर उससे बहुत महंगी है। तो डॉज वाइपर के जो क्लोजेस्ट में गाड़ी लेके आया था वो निसान GTR ही थी, तो इसलिए ये बैटिस कार नहीं करेगा यार। मैं कितना ही कर दूँ ना यार इसको स्पैम, ये बैटिस कार नहीं करेगा यार। और वो जितने ज़्यादा पैसे बढ़ा रहे ना इसका मतलब कार में फ़र्क उतना ज़्यादा है। बट तुम्हें पता है तुम्हारा भाई हार तो नहीं मानेगा जब तक वो खुद नहीं बोल देगी चलो, अरे यार तेल ख़त्म हो गया गाड़ी में, जब तक वो खुद नहीं बोल देंगे ना भाई जाओ यार तुम ख़त्म करो तो खुद ही चले जाए वो, तब तक मैं तो नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मुझे वो डॉज वाइपर चाहिए यार गाइस। मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, मैं मिड चैलेंज तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे वो डॉज वाइपर चाहिए भाई यार। अपना कलेक्शन, कार कलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तुम समझ रहे हो, मैं तैयार हूँ भाई, मैं कुंटाज लेके जा रहा हूँ, देखी जाएगी भाई। मुझे पता है कुंटाज कैन नेवर बीट अ डॉज वाइपर मतलब इस गेम में, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यार मैं ट्राई करने तो जा रहा हूँ भाई। कुंटाज का 0-100 अच्छा नहीं है बट इसकी टॉप स्पीड पकड़ने का स्पीड वो अच्छा है, 0-100 नहीं है, 100-200 बहुत अच्छा है इसका भाई। देखो पैसे कम हुए, राइट, देखो पैसे कम हुए, इसका मतलब हो सकता है कुछ, किस्मत है, ठीक है, मतलब बैटिस कार नहीं क्योंकि 8,000 तक का फर्क आ रहा है। बट प्लीज प्रीटी प्लीज गेम कर दे यार एक बार, एक बार भाई मैं कैसी गाड़ी लेके आऊँ वो भी तो देखना यार, एक बार मैं कितनी लो लेवल की गाड़ी लेके आया हूँ इस गाड़ी के लिए भाई। मुझे पता है डॉज वाइपर कैसे खींचती है, मैं फिर भी लेके आया हूँ, समझ रहे, अपनी बेइज्जती कराने के लिए, मेरी गाड़ी चले जाएगी मुझे पता है, बट मुझे वो गाड़ी चाहिए यार, मुझे डॉज वाइपर चाहिए यार। एक गाड़ी बची है गाइस, सिर्फ और सिर्फ मस्टैंग, क्योंकि मैं ऑडी R8 से नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात तो ऑडी R8 का चैलेंज चल रहा है, दूसरी बात तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है ऑडी R8 हार जाएगी क्योंकि ऑडी R8 में नॉस नहीं है, और अगर उस गाड़ी में नॉस नहीं है तो डॉज वाइपर चाहे धीरे भी स्लो भी स्टार्ट करेगी ना, अगर वो आगे जाके नॉस चला देगी तो अपनी ऑडी R8 कुछ काम की नहीं है, तुम समझ रहे हो, फिर ऑडी R8 यूजलेस हो जाएगी, फिर चाहे वो कितनी अच्छी निकले पहले, बट जहां पर से नॉस गेम में आ जाएगा वहां पे खत्म हो जाएगा गेम। चलो देखते हैं, लेट्स होप मस्टैंग से फाइट हो जाए, अगर होप आई तो मजा आ जाएगा, मतलब सही बताऊं तो मस्टैंग से होप्स नहीं है मेरी इतनी,
ठीक है ना, जैसे सुपरा से नहीं थी, क्योंकि मुश्किल है यार मस्टैंग और इसका कहाँ है यार कुछ भी मेल भाई ना फास्ट हुए। वो बीबी 22,000 रुपये तक का देने के लिए तैयार हो गया वो बैट में, कि तूने हरा दिया भाई तुझे 22,000 रुपये दे दूंगा मैं, देख रहे हो बेइज्जती। बैटिस कार तो बहुत दूर है भाई, बैटिस 22,000 रुपये। बैटिस कार तब होता है जब तुम बराबरी का मैच हो, ताकि अगर वो जीते तो उसको भी तो अच्छी गाड़ी मिले, समझ रहे हो ना। जितना वो हारने पर अपनी अच्छी गाड़ी देगा तो उसे जीतने पर भी उतना ही मिलना चाहिए। बेसिकली इट इज़ लाइक कि तुम अगर अपने दोस्त से एक बैट लगाते हो तो तुम ऐसी तो बैट लगाओगे कि तुम्हें भी कुछ अच्छी चीज़ मिले, समझ रहे हो, ये दिक्कत है। ठीक यार, तो गाइस जीजीस, हम लोग किसी भी गाड़ी से उसका मैच नहीं कर सकते हैं। बढ़िया भाई, हुडी फोड़ दिया पूरी अपनी उसका। भाई कितना दे रहे हैं यार, लाइट्स लेके आनी चाहिए इन्हें गेम के अंदर यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई कहाँ चल रहा हूँ मैं, और डर अलग लग रहा है। और वो पता नहीं क्या वहाँ पर खबड़ खबड़ खबड़, रात के 5 बजे अलग खेल रहा हूँ मैं, सुबह के 5 बजे गेम, तो डर वैसे ही अलग लग रहा है, रात है करके अंधेरा हो रखा है बाहर, भाई क्या करूँ मैं। चलो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने गुड बाय कर दिया अपनी डॉज वाइपर को, क्योंकि डे हो गया रिफ्रेश, तो अब डॉज वाइपर तो आने से रही। हाँ बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, और कुछ भी नहीं आया, खाली डॉज वाइपर नहीं और कुछ भी नहीं आया, तुम समझ रहे हो, मतलब एक बारी को खाली डॉज वाइपर नहीं कुछ भी नहीं आया, मतलब ना कार मार्केट खुली है, ना कुछ और खुला है, कुछ नहीं खुला है भाई। इसका 0 to 100 फास्ट हो गया है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुंटाज में इनने चेंजेस करे, भाई बहुत तेज भागी यार कुंटाज अभी। अब आर्ट एंड ऑल है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सारी की सारी गाड़ियों को दोबारा से लगाता हूँ, सेंस हम लोगों को अब 12 बजे तक का रुकना तो पड़ेगा ही सुबह करने के लिए। तो जीजीस कोई अच्छी रेस भी नहीं आई है, सो लेट्स गो, सारी की सारी गाड़ियों को वापस उनकी जगहों पे लगा देते हैं। चलो भाई अपना दिन तो ख़राब जा रहा है, एटलीस्ट इस भाई का दिन बना देते हैं हम लोग। 19,000 वो लगाई थी, 14,000 रुपये में देना चाह रहा है भाई। तू एक काम कर, $1 में रख इसको, ठीक है, खुश रहे, मस्त इसमें सब्जियाँ बेच, जो करना है तेरे को कर भाई, मजे कर इस गाड़ी के साथ। तो मैं तो कहता हूँ आग लगा दे इस गाड़ी को भाई। गाइस कार मार्केट खुल गई है, लेट्स होप हमारी 3rd ODR8 एटलीस्ट आ जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है भाई अभी खेलते खेलते। मैं मेरे को बहुत तगड़ी नींद भी आने लग गई है सही बताऊँ तो, बट लेट्स होप एक तो दिख रही है, लेट्स गो भाई, दे दो लाओ अनअप्रूव्ड। अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारा 10% 33% डैमेज, 100% डैमेज गाड़ी दो तुम मुझे, $3,00,000 में दो बस, ठीक है, बदतमीजी नहीं चलेगी ये, इतने महंगे में नहीं खरीद रहा मैं। अच्छा ठीक है, $3,10,000 नहीं, अबे यार भाई ये बेचना बंद कर देगी मेरे को, तो मैं इसको अच्छे से प्राइस देता हूँ, $3,30,000, बढ़िया। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली दे देंगे रिपेयर के लिए, उसके बाद हम लोग ये लैम्बोर्गिनी भी ले लेंगे, सिंस हम लोगों को सीधी सी बात है पैसा भी चाहिए ना भाई, अगर हम लोगों को बेचना है मतलब ख़रीदना है कुछ तो हमें पैसा भी तो चाहिए होगा। 43 बोलिए, 400,000 में दे दे यार, ख़त्म करो यार आंटी जी यार, छी भाई क्या अभी बहस करने में लगी पड़ी हो। ये लगा दो, फिर मस्टैंग खड़ी है, एक डॉज वाइपर खड़ी है, एक वोक्सवैगन बीटल खड़ी है, बट और कोई तगड़ी गाड़ी तो नहीं है ना। चलो ठीक है, चलते हैं फटाफट से सीधा ऑफिस चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, सही करवाते हैं, और उसके बाद एक तो ये कोला का कैन, ये बंदा पता नहीं फेंक ही नहीं रहा है, पिछले गंदे दिन से पड़ा हुआ है भाई। मेरा दिल लेकिन सबसे ज़्यादा वहीं टूटा यार गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, तुम मानो या ना मानो, मेरा दिल तो वहीं टूटा जहाँ पर डॉज वाइपर मुँह के आगे आ गई बट मिली नहीं भाई, किस्मत है ना यार, क्या बोलूँ अभी। चलो मेरे को जनरली हो गया था, मैं खुश हो गया भाई, मैंने कहा डॉज वाइपर बस ये गाड़ी मिल जाए, आए हाय हाय दिन बन जाए मेरा यार, तुम समझ रहे हो ना, हमारे यार कलेक्शन में वो आ जाती, फिर एक ही गाड़ी बचती जो कि था ला फरारी यार, मतलब मैं तुम्हें नहीं यार, तुम लोग नहीं सोच सकते भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे को कितना ज़्यादा मन था कि एक डॉज वाइपर मिल जाए करके, तुम्हें कब से बोल रहा हूँ सोचो मैं जी यार, बट कोई नहीं, चलो किस्मत किस्मत की बात है, इसमें टाइम लगने वाला है तो हम लोग तब तक अपना हथौड़ा पकड़ के शुरू हो जाते हैं जैक के जंकयार्ड में, जैक जंकयार्ड बहुत बढ़िया। ठीक है, ये पहले तो सारा का सारा कूड़ा ऐसे उठा लेते हैं हम लोग जो भी है पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग को ट्रैश भी बेचना होता है आगे जाके। ठीक है, ये टर्बो ट्रैश ट्रैश में दे रखा है, शॉक अब्जॉर्बर गिर रहे हैं भाई, ये देख रहे हो तुम,
इंजन बे में मारूंगा ना, ज्यादा सामान निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ भी निकल रहा है पीछे मारू तो बूट में, बूट से भी कुछ नहीं आ रहा, छत से, इंजन बे से। हाँ ब्रेक डिस्क निकल गई, देखा ले भाई टर्बो होज आ गई, बहुत बढ़िया। चलो भाई सारा का सारा कूड़ा जितना भी है सारा का सारा उठा लेते हैं। देयर वी गो, लाओ लाओ लाओ, ये भी लाओ लाओ लाओ। चलो भाई चलते हैं हम लोग, चाहे तो अभी कूड़ा बेच सकते हैं, बट मैं इसको एक ही साथ ना 100-200 कूड़ा बेचूंगा, देखना तुम लोग एक ही बारी में। ये भी क्रेजी हो जाएगा, क्या भाई ये कहाँ से लिया है इतना कूड़ा, अरे भाई साहब डर जाएगा ये। ओए जस्ट सही करवाई और सीधे जाके भेड़ दी। अब क्यों, क्योंकि नींद आ रही है ना भाई को, अब क्या बोलूँ मैं यार, कर दो यार सही कर दो दाजू यार फटाफट, गाड़ी में जरा हाथ फेरा दो, 1% तोड़ के आ गया हूँ गाड़ी तुम्हारा। तो निकाली बाहर भी नहीं निकाली थी भाई मैंने वो, यार इन लोगों ने वो बहुत गंदे कर दिए ना यार, जो ये चेंज करने वाले होते हैं एंगल, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिए इनने। चलो भैया से देखते हैं, पॉलिश फुल मेटैलिक के सी तक का, और कार में कलर होगा अब ग्रीन, ठीक है, डार्क सा होता है थोड़ा ग्रीन, हाँ ऐसा कुछ ग्रीन होता है वो, डार्क सा ग्रीन ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, हाँ नहीं ऐसा कुछ, ठीक है ये परफेक्ट कलर है मेरे हिसाब से। एक बार बाहर निकालते हैं, ये देखो भाई मैंने बोला था ना तिरंगे का लास्ट कलर भी आ चुका है गाइस, ग्रीन कलर, लेट्स गो। एटलीस्ट अपनी 3 Audi R8 कुछ तो अच्छा हो रहा है भाई, वो अपने हाथ से एक डॉज वाइपर निकल गई बट कोई नहीं, कुछ तो अच्छा हो रहा है एटलीस्ट हमारा। 26 जनवरी के लिए जो हम लोगों ने Audi R8 का तिरंगा बनाना था वो कंप्लीट हो चुका है गाइस। सबसे पहले हमारा सैफ्रॉन कलर, फिर वाइट कलर, और लास्ट में ग्रीन कलर, है ना, पावर पीस और ग्रोथ। जी जी भाई ये देखो, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, मजा आ गया भाई। कुंटाज लेने आए हुए हो दिला दूंगा, 757 की है ये, बेचने ये खरीदने के लिए बात कर रहे हैं 6 लाख में। मैडम अभी आता हूँ 2 मिनट में, बस जा रहा पानी पीने जा रहा, लोगों से नहीं पूछ रहा और कितने में खरीद रहे हैं, ठीक है ना, आप ही को बेचनी है मैंने गाड़ी, तो 6 लाख बोल रही है वो, तुम लोग बेइज्जती करा रहे हो मेरी यहाँ। बंदी भी भाग जाएगी लग रहा मेरे को, 6,13,000 ये हुई ना बात यार, चश्मा इसीलिए तो पहन रही है मैडम अपनी आंखों में पैसा छुपाने के लिए। ये है 6,15,000 वाली, इसको पकड़ो, इसको बोलता हूँ 7 लाख में डील डन। अबे भाग गई, अबे अबे यार भाई, चलो कोई बात नहीं मैडम, 6,15,000, 6,01,000, आई मीन पानी पी के आया हूँ जस्ट। अबे ये भी चले गई, इसको पता चल गया मैंने उससे पूछा, रहे भाई यार किस्मत किस्मत की बात है दोस्तों, किस्मत किस्मत की बात है। हाँ यहाँ तक भी फेंक दे भाई, ये धो मत देना गलती से, वाली गाड़ी है ना, यहाँ तक का लेंगे पानी फेंक देना पूरा। भाई गॉड यार ये भैया कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनको अभी तक नहीं आया तरीका यार काम करने का, बताओ। चलो अभी अपने सारे बंदे जा चुके हैं, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं बेचने वाला हूँ, ये बहुत ही सस्ता बोल रही है, बट सबसे सही चीज़ है कि टाइम अपना हो चुका है, जल्दी से चलते हैं, प्लीज़ दोबारा से कार मार्केट खुले यार, प्लीज़ भाई ऑक्शन मत देना, एटलीस्ट 4-5 बजे का ऑक्शन तो मत देना यार, 2 बजे तक का मैक्स अच्छा है फिर बेकार है भाई, 4-5 बजे का ऑक्शन मत देना मेरे को प्लीज़ भाई प्लीज़। 3 बजे का ऑक्शन देख लो, 2 बजे तक का बोला तो उसने बोला ले फिर ले, 2 बजे का चाहिए 3 बजे का दूंगा, बता क्या करेगा, क्या बोलूं यार अभी इनसे, क्या बोलूं मैं। चलो एक काम करते हैं, अब बहुत हो गया भाई मेरे को और नहीं घूमना है उसमें। अरे यार ये गाड़ी आगे कैसे बढ़ गई, पता ही है तुम्हें कैसे बढ़ गई, गाड़ियां खड़ी कहाँ हो रही है, सीधे आगे को बढ़ा दे रहे हैं भाई। ये रुको एक मिनट, वाइट कलर की निशान GTR में घूमेगा तुम्हारा भाई, अब निकालू कैसे इसको यहाँ से, इसको निकाल देते हैं, और ये ग्रीन वाली निशान GTR को अभी के लिए
आगे लगाए थे भाई। कसम से यार, अगर मेरे को कोई अच्छी सी क्लीन GTR मिल जाती ना, बहुत सारे लोग ये भी बोले थे भैया अगर हाईली मॉडिफाइड मिल रही है तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, हाईली मॉडिफाइड तो और अच्छी भी यार। फिर वही तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार भाई। भाई हाईली मॉडिफाइड मिल रही है तो मैं क्यों लूँगा फिर? मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये, तुम सोचो मैंने इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे के ये स्टॉक गाड़ी क्यों ली? बिल्कुल मैं पागल हूँ क्या भाई यार? तो गाड़ी तुम्हारी कहाँ हुई वो? अगर तुमने अगले बंदे की पूरी जितना वो किट कर सकता था, जितना वो बना सकता था, वैसी गाड़ी लेनी थी तो भाई क्या फ़ायदा हुआ? मतलब कुछ लोगों को वैसी पसंद होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यार मेरे को नहीं पसंद है वैसे यार। भाई वो फिर मेरी गाड़ी नहीं है ना यार, वो तुम समझ रहे हो मेरी बात? फिर वो मेरी गाड़ी कहाँ हुई? वो तो उस बंदे ने पूरी किट करके सब कुछ बना बनू के मेरे को गाड़ी दे दी और मैंने वो गाड़ी ले ली, बात ख़त्म। भाई ऐसा होना चाहिए ना कि गाड़ी में तुम्हारा होना चाहिए ना कुछ, जैसे मेरी 911 करा रहा है ऐसे। अब भाई वो लिटरली मेरे को जेन्युइनली जितने की GTR मिलती है उससे ज़्यादा ही महंगी पड़ी है, मैं तुम्हें क्लियर बता दूँ, ठीक है? बट अब बात वही है ना, वो मेरी करेरा ऐसे है भाई, उसको मैं धीरे धीरे करके उसमें स्पॉइलर लगाऊंगा, चीज़ें लगाऊंगा, उसको एकदम ऐसी क्रेजी बना दूंगा कि तुम लोग भी कहोगे वाह यार मज़ा आ गया भाई। मतलब समझ रहे हो, डाउन द लाइन मेरे को पूरा मज़ा आएगा उस गाड़ी में कि मैंने बनाई वो गाड़ी। फिर मैं भेज दूंगा किसी दिन, फिर उसके बाद GTR लेंगे ऐसा कुछ भाई। लेकिन होना चाहिए ना यार कि तुम्हारी गाड़ी है वो, तुमने बनाई है अपने हाथ से भाई, अपने हिसाब से बनाई, सब कुछ अपना गिरा, वो होता है फन गाड़ी में, समझ रहे हो? अब यार वो भयंकर 5-7 साल पुरानी GTR मिल रही है जिसमें उन बंदों ने जितना कुछ हो सकता था सब कर दिया है, तो मैं क्या करूँ उसमें फिर? मतलब समझ रहे हो, उसमें मेरा क्या रहा? वो वामू कार कहाँ से बनेगी, समझ रहे हो? वो तो मैं बेसिकली किसी की बनाई हुई गाड़ी पर ले रहा हूँ वैसे, मतलब हम लोग स्टोर से भी वैसी लेते हैं, शोरूम से भी वैसी लेते हैं, किसी की बनाई हुई गाड़ी ले रहे हैं, बट समझ रहे हो ना उसमें पर्सनलाइजेशन वाली चीज़ होती है ना एक यार, कि स्टॉक गाड़ी है वो ऐसे भाग रही है इतना फोर द होराइजन में, जैसे होता है ना मज़ा आता है ना यार जब हम अपने हिसाब से पूरी की पूरी गाड़ी को वो करते हैं, मॉड करते हैं, फिर उसको ट्यून करते हैं, फिर वो भागती है तो मज़ा आता है, फिर हम थोड़ी इधर से चेंज करते हैं उधर से चेंज करते हैं तो वो और तेज़ भागती है, स्लो जाती है, फिर और मज़ा आता है, फिर देखते क्या कर सकते हैं, ऐसा ये होता है एक्सपीरियंस यार गाड़ी का, समझ रहे हो तुम लोग? चलो बाकी यार भाई सीधी सी बात है, अगर भगवान जी ने हाथ रखा सर पे और मैं मेहनत करते रहूँगा, तुम लोगों का साथ रहेगा, तो किसको पता यार, एक दिन किस्मत में आएगी कोई GTR जो काफ़ी क्लीन होगी, एकदम अच्छे से कम चली होगी, वो मिल जाए, क्योंकि इंडिया में यू कैन नॉट बाई फर्स्ट हैंड कार, समझ रहे हो? फर्स्ट हैंड आप ले नहीं सकते हो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप बाहर से इंपोर्ट करा लो, बट हर कोई नॉर्मल बंदा भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करा सकता। गाइस ऑक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्टिंग में सुपरा दिख गई है, तो तुम लोग समझ चुके हो गए लाली लालो। भाई यार सुपर आ गई, इसका मतलब अब कोई भी अच्छी गाड़ी और आनी नहीं है, तो ना ही फरारी आएगी, ला फरारी आएगी, और ना ही डॉज वाइपर आएगी मेरे हिसाब से। तो मतलब यार एक अच्छी गाड़ी आती है ऑक्शन में, और अगर सुपर आ चुकी है तो फिर सुपर ही वो अच्छी गाड़ी थी इस ऑक्शन में। मतलब हर एक ऑक्शन में मेरे हिसाब से एक टॉप टीयर गाड़ी आती है, तो इस वाली में वो सुपर है आई गेस, यू नेवर नो, मैं गलत होना चाहता हूँ भाई। आप ले आओ भाई लास्ट गाड़ी ले आओ, खरीद लो ऑडी A6 खरीद लो सारे के सारे। भाई अभी हो गया था काम, लास्ट गाड़ी पता चला कुछ क्रेजी निकली, अच्छा ऑडी S5 है वही, मेरी भी एक दोस्त के पास है। और लेके दिखा मेरे से लेके दिखाना इस गाड़ी को। ओह माय गॉड, देयर इज नो वे ब्रो। मैं बेहोश हो सकता हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को। मेरा हो भाई वो एड्रेनलिन रश नहीं होता, एकदम खतरनाक वाला जू करके आता है और उसके बाद तुम्हें लगता है कि भयंकर मर गए अब। ओ माई गॉड नो वे ब्रो, अभी ये गाड़ी के लिए मैं रो रहा था, थोड़ी देर पहले मैं इस गाड़ी के लिए रो रहा था भाई। भाई जिसने भी प्रे करा ना वहाँ पे, आई लव यू यार, दिल से रुको यार, ऐसे नहीं भाई, आई लव यू यार, दिल से लव यू, बाल खींच दिए मैंने अपने भाई, लव यू यार, लव यू 10,000 भाई। ओ माई गॉड भाई, इस गाड़ी के लिए मैं जेन्युइनली थोड़ी देर पहले रो रहा था कि आई, बट मैं ले नहीं पाया, और उसके बाद ऑक्शन में एक सुपरा आने के बाद डॉज वाइपर। ओह माय गॉड नो वे ब्रो, देयर इज नो वे, यू नो
यू नो इट रुक जाओ, इसको जरा बाहर को निकालता हूँ मैं। ओह माय गॉड, देयर इज नो वे ब्रो, किस्मत यार। ओ भाई साहब, गाइस फाइनली हम लोगों को हमारी डॉज वाइपर मिल चुकी है। अभी कमेंट सेक्शन में बताओ इसको हम लोग कौन सा कलर कराएं। जो तुम लोग बोलोगे वही कलर होगा इस गाड़ी में, जो कलर तुम लोग बोलोगे वही कलर करूंगा मैं इस गाड़ी में। तुम लोग मेरे को अभी बताओ कमेंट सेक्शन में कि हम लोग इस गाड़ी में कौन सा कलर करें। जिसने भी अभी तक का वीडियो लाइक नहीं करी है प्लीज़ लाइक कर देना। वैसे तुम लोगों ने लाइक करी है इसी की वजह से मेरे को ये गाड़ी मिली है, मैं तो मानता हूँ। क्या भैया मस्त लग रही है ना? हाँ, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है कर देना भाई, तुम्हें भी पता है कि 3 मिलियन की तरफ का जा रहे हैं और 100 डेज 100 वीडियोज चैलेंज भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। ओ भाई साहब, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई, ये देख रहे हो एग्जॉस्ट साइड से कैसे निकल रहे हैं इसके। देखो इस साइड से भी और इस साइड से भाई। अब बस एक गाड़ी बचती है हमारे पूरे कलेक्शन में, सिर्फ एक कार, वह है ला फरारी। बट अभी के लिए तुम लोग बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि हम लोग इस गाड़ी को कौन सा कलर करेंगे।